तो फिर से कहता हूं, क्या नहीं लिखा कि अन्य भाषा के दान को पवित्र आत्मा एक दिन रोक देगा? ये मेरा नहीं है सर, ये तो पौलुस का लाइन है। और उन्होंने स्क्रिप्चर कोट किया, पहला कुरिन्थियों 13। आइए उस वचन को पढ़ते हैं, और ये भाई कैसे स्क्रिप्चर ट्विस्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ आज। अब जितने भी मसीह मंथन के बैठक के जो लोग हैं, या फिर जो भी उनके क्या बोलते हैं उसे कल्ट वाले लोग हैं, जो भी उनके चेले हैं, खुद को महाज्ञानी कहते हैं, आइए वचन को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 13:8 ओके लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी है तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं तो जाती रहेगी, ज्ञान है तो मिट जाएगा, भाषाएं जाती रहेगी। अन्य भाषा नहीं है यहां पर। शैतान भी जब यीशु के पास आया तो उसने लिखा है कि वचन में ये लिखा है, और उसने कुछ चीजों को निकाल दिया। उसने क्या कहा मालूम है कि लिखा है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, नहीं लिखा है कि पत्थर है ना, तू अगर तू पत्थर को बोलेगा रोटी बन जा तो वो रोटी बन जाएगा। तो शैतान क्या करता है, वो कुछ ना कुछ वचन निकालता है और ऐड करता है। अभी देखो यहां पर क्या हुआ है, इन्होंने कहा क्या नहीं लिखा है कि अन्य भाषा के दान को पवित्र आत्मा एक दिन रोक देगा। यहां पर तो अन्य भाषा का स्टेटमेंट ही नहीं है भाई, आपने अपने आप जोड़ दिया क्या, मजाक बना दिया है आपने आपके मसीह मंथन के लोगों का। मसीह मंथन बैठक सुधर जाओ, अभी भी आप जिस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो, मुझे तरस आता है आप लोगों पर, मालूम है क्यों? क्योंकि आप भाई अच्छे सेवा करने वाले लोग हैं, आप जो है अच्छे कलीसिया से जुड़ चुके थे, आप अच्छे तौर पर सेवा कर रहे थे, आप अधीनता में थे, आपके अंदर धीरज था, आप प्रार्थना पूर्वक लोग थे, लेकिन अब इन चीजों से जुड़ने के बाद देखो कितना अज्ञान से भरा हुआ बातें आपकी जिंदगी में आ गया है। यहां पर अन्य भाषा कोई नामो निशान, यहां पर भाषाएं अन्य भाषा है नहीं, और इन्होंने अन्य भाषा चिपका दिया यहां पर। और यहां पर लिखा कि एक दिन होगा, वो कब होगा मालूम है, जब आप उसके आगे पढ़ोगे, जब सर्वसिद्ध आएगा, यानी जब यीशु मसीह आएंगे तब ये सारा चीज रोक दिया जाएगा। अब नहीं, अब नहीं। इन चीजों को समझे, इन चीजों को जाने, इन चीजों को समझने का प्रयास करें, तब आप इन चीजों को जान पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा होना चाहता हूँ, यानी मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपने सुना, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे अपने लोगों तक पहुँचे। जो भी लोग ये चीज़ सुनकर आप प्रोत्साहित उत्साहित हो गए हैं, हमारा जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, आपका सवाल आप हमें भेज सकते हैं, और भी आगे हम बात करेंगे। और एक वीडियो हम बनाने पर है, इस भाई ने इस प्रचार में इतनी सारी गलतियां की है, वो खुद अपने प्रचार के विरोध में बात कर रहे हैं, और ये मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या इन्होंने खुद का ही स्टेटमेंट, कभी कहा ये होगा, कभी कहा ये नहीं होगा, किस प्रकार ये बातें करते हैं, इन चीज़ों को हम ज़रूर सुनेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करूँगा ताकि पवित्र आत्मा आपको पुनस्थापित वापस एक बार कर पाए। प्रभु जी, हम अनुग्रह मांगते, कृपा मांगते, दया मांगते, प्रभु आपकी भलाई मांगते। परमेश्वर आप अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप दयालु हो प्रभु, आप कृपालु, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, अच्छी बातों को देखने के लिए सहायता मदद करिए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी, आपकी बातों को जानने के लिए मदद करिए प्रभु, सच्चाई इनके जीवन में रोशनी के तौर पर चमके, ऐसे हम प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा सपने दर्शन के द्वारा बातें करें, जो सही है प्रभु वो याद रखे, जो प्रभु गलत है वो भूल जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। इन्हें क्षमा कर हर एक बातों के लिए जो इन्होंने आपके विरोध में किया प्रभु जी, प्रार्थना करते प्रभु ये अपने कलीसिया से जुड़ जाए, अपने पास्टर के अधीन रहे प्रभु, आपकी इच्छा योजना को पूरा करें। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते, महान महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करें।